अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्प्रे कैन जो बाज़ार में मिलता है। अच्छा, नए आने वाले दोस्तों से कहना है कि जो ना मेरे वीडियो को जो है ना लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता रहे। तो उसके लिए हमारे को ये ट्यूब का ये जो ना ये रॉड लेना है और जो है ना इसके लिए हमारे को दो होल करने पड़ेंगे। एक जहाँ से ये हम ये एयर देंगे, एयर के लिए आप ये ट्यूब की जो ना लिखी होती है वो ले लें और उसके आगे बाल लगा हुआ हो और जो है ना उसको एक होल में डाल दें और उसके जो है ना सामने अपोजिट पे दूसरा होल कर लें। दूसरा होल आप किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो वो प्लास्टिक की जो हमारी ये बोतल आती है छोटी वाली, ये ड्यू की आती है, स्ट्रिंग की बोतल आती है, इसका जो है ना ये बोतल ले लें, इसको जो है ना इसके अंदर इस होल में फिट कर लें। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, यूनियन का जो है ना पीस पड़ा हुआ था आधा और जो है ना डेट के पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको वो लगा दिया। आप पानी की बोतल लेंगे या इसकी ड्यू की या बोतल लेंगे तो उसके अंदर आप जो है ना वो बोतल फिक्स कर लें होल के साथ, उस हिसाब से होल कर लें और जो है ना आप आराम से ढक्कन उसके अंदर ड्यू का जो ढक्कन आएगा वही ढक्कन टाइट कर लें उसके ऊपर और यहाँ से ये रख के जो है ना उसके अपोजिट में रख के ये टाइट कर लें। उसके बाद आपने कोई भी कलर बनाना हो उस स्प्रे के लिए तो आपने जो है ना सिर्फ इसमें कलर ऐड करना है और जो है ना आपने उसके ऊपर पेट्रोल या थिनर या मिट्टी का तेल जो आपका दिल करे वो उसके अंदर जो है ना आप उसको लगा लें। अच्छा, मैंने इपॉक्सी लगाई थी और जो है ना ये बहुत देर में सूख रही थी, इनने काफ़ी देर लगाई सूखने में। फिर ये कि मैंने जो है ना ये इपॉक्सी जो है ना सारी हटा के साफ़ करके और जो है ना मैजिक डिपॉक्सी जो हमारी आती है ब्लैक और वाइट जो ट्यूब आती है वो डिपॉक्सी वो लगा दी थी, वो ये कि मेरी जल्दी सूख गई थी तो मैंने ये लगाई थी। लेकिन ये कि इसको जो है ना सूखने में टाइम चाहिए थोड़ा सा, जब ये सूख जाती है तो ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, समझ लीजिए कि बिल्कुल लोहा हो जाती है ये। लेकिन जो है ना ये सूखने में सिर्फ टाइम लेती है और जो है ना मेरे को वीडियो आज पोस्ट करनी थी, वीडियो अपलोड करनी थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने इसको जो है ना मैंने इसका वेट नहीं किया, मैंने ये दोबारा हटा के सारी और जो है ना डिपॉक्सी लगा दी ब्लैक वाली जो आती है ना, उससे ये कि वो मेरा काम जल्दी हो गया था, जल्दी सूख गई थी। आप चाहें तो ये लगा लें या मैजिक डिपॉक्सी लगा दें या सिलिकॉन लगा दें, सिलिकॉन जो गन आती है ट्यूब वाली वो लगा दें। बस ये कि हमारे को अच्छी तरीके से इसको स्टॉप करना है। लॉक करने के लिए मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, इपॉक्सी आप यूज़ कर लें, सिलिकॉन यूज़ कर लें और चाहें तो वो मैजिक डिपॉक्सी जो आती है वो यूज़ कर लें। जल्दी सुखाना है तो डिपॉक्सी लगा दें और अगर चाहिए देर में सूखेगा और ताकतवर सूखेगा तो फिर ये कि आप इपॉक्सी या सिलिकॉन ये लगा दें। यहाँ पर इस जगह पे मैंने यूनियन का कैप इस्तेमाल किया, दोबारा बता रहा हूँ, आप यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन भी यानी कि उसकी ग्लास यानी कि हल्का सा जो यहाँ पर हमारा ढक्कन टाइट होता है वो जगह और जो है ना ढक्कन, ये दोनों चीज़ अपने काम में ले सकते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वर्क करेंगे और जो है ना वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था सूखने के लिए, मैंने तो काफ़ी देर तक लग के छोड़ा सूखने के लिए, लेकिन ये कि ये वो मजबूती वो प्रेशर नहीं आया था जो हमारे को फटाफट चाहिए था, तो मैंने ये हटा के यहाँ पर डिपॉक्सी लगा दी थी। उसके बाद जब आप जो है ना ये देखें मैंने डिपॉक्सी इसमें लगा दी है और उसके अलावा जो है ना मैंने कलर लिया, कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और जो है ना मेरे इसमें पेट्रोल ऐड किया तो वो पेट्रोल मेरे पास जो है ना वो भी मैंने कम ऐड किया, गलती से मैंने पेट्रोल काफ़ी कम ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि जो है ना कलर इसके अंदर आप जितना पतला रखेंगे ना जितना पतला रखेंगे उतना ही अच्छा वर्क करेगा, जितना पतला कलर रखेंगे और जितना मोटा कलर होगा ना तो फिर वो जो है ना वो आप मेरे पास वीडियो में देख लेंगे कि जो है ना वो मोटे कलर होगा तो आपको जो है ना वो किस तरीके से वो कलर अपने पास से वो रिलीज़ करेगा, और अगर चाहे आप कलर पतला रखेंगे और जो है ना फिर इसको आप चाहें तो फिर ये आपका वर्क जो है ना बिल्कुल शावर की तरह जो फुहारा होता है शावर जो होता है उसकी तरह, यानी कि जो गनों से आम निकलता है या हम जो कैन लेके आते हैं उस तरीके से निकलता है उसी तरीके से अपना वर्क करेगा। मैंने इसमें पेट्रोल ऐड किया लेकिन ये कि वो पेट्रोल जो है ना मैंने इसमें कम डाला था तो इस वजह से जो है ना वो अच्छी तरीके से वर्क कर नहीं पाया, वो बिल्कुल जो है ना वो फिर एक
जो धार होती है ना उस तरीके से निकल रहा था, शावर नहीं बन पाया क्योंकि मैंने इसमें पेट्रोल कम ऐड किया था, तो इतना मेरा कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रह गया था। मैंने इसके अंदर जो है ना वो, आप हैंड पंप से भी इसमें हवा भर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर कंप्रेसर यानी कि जो टायर में जो जिससे हवा भरते हैं उसके ज़रिए भी आप इसमें हवा भर सकते हैं, क्योंकि नलकी वही टायर में हवा भरने जो ट्यूब होती है उसी की नलकी लगी हुई है। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके अंदर जो गोली होती है यानी कि जो कंचा होता है इसके अंदर, वो आप लाजमी डाल दें, ताकि जो ना वो हमारे को कलर मिक्स करने में वो काफ़ी मदद देता है। उसके बाद आप इसको जो ना हवा दे दें, इसके अंदर प्रेशर अच्छी तरीके से लॉक कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो ना वो ये लोहे का कैन है, ये कहीं नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि मैंने इसके अंदर कलर छाना भी नहीं था, डायरेक्ट आपके सामने ऐसे ही डाल दिया था। कलर भी छानना लाजमी है, क्योंकि जो है ना फिर ये कि वो बार बार नहीं तो जो है ना वो नोज़ल के आगे कचरा आता रहेगा। और जो है ना इसके अंदर आप कलर पतला रखें, बस कलर आप पतला रखेंगे ये आपके पास बहुत अच्छा वर्क करेगा। अच्छा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो है ना मेरी जो है ना वीडियो को जो है ना लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। और ये इस तरीके से देखें वर्क करेगा, ठीक हो गया। फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।